यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर लखनऊ से है। मायावती के करीबियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुश्किल में चंद्रदेव गौतम और चंद्रप्रकाश मिश्रा हैं। दोनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी करने का आरोप है। चिन्हट कोतवाली में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चंद्रदेव पर नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती के करीबियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या पूरा मामला है और ये कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए, ये पूरा मामला ये पुराना है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास और पूर्व विधायक के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर भी देहरादून के एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने लिखाई है कि उनके द्वारा मायावती के दोनों में ही जो खास एक पूर्व विधायक राकेश मिश्रा, दूसरे सीडी गौतम चंद्रदेव गौतम, इनके द्वारा 5 लाख रुपए लिए गए थे उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, जगदीशपुर के बीएचएल यूनिट में इंजीनियर के पद पर तैनात कराने के लिए, और वो अभी तक नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, जो चेक दिया गया था इनके द्वारा बतौर गारंटी के अगर काम नहीं होगा तो पैसा वापसी के लिए चेक, वो भी चेक बाउंस हो गया। लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जी शुक्रिया संतोष जानकारी के। मायावती के करीबियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या पूरा मामला है और ये कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए, ये पूरा मामला ये पुराना है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास और पूर्व विधायक के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर भी देहरादून के एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने लिखाई है कि उनके द्वारा मायावती के दोनों में ही जो खास एक पूर्व विधायक राकेश मिश्रा, दूसरे सीडी गौतम चंद्रदेव गौतम, इनके द्वारा 5 लाख रुपए लिए गए थे उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, जगदीशपुर के बीएचएल यूनिट में इंजीनियर के पद पर तैनात कराने के लिए, और वो अभी तक नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, जो चेक दिया गया था इनके द्वारा बतौर गारंटी के अगर काम नहीं होगा तो पैसा वापसी के लिए चेक, वो भी चेक बाउंस हो गया। लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जी शुक्रिया संतोष जानकारी के। मायावती के करीबियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या पूरा मामला है और ये कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए, ये पूरा मामला ये पुराना है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास और पूर्व विधायक के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर भी देहरादून के एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने लिखाई है कि उनके द्वारा मायावती के दोनों में ही जो खास एक पूर्व विधायक राकेश मिश्रा, दूसरे सीडी गौतम चंद्रदेव गौतम, इनके द्वारा 5 लाख रुपए लिए गए थे उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, जगदीशपुर के बीएचएल यूनिट में इंजीनियर के पद पर तैनात कराने के लिए, और वो अभी तक नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, जो चेक दिया गया था इनके द्वारा बतौर गारंटी के अगर काम नहीं होगा तो पैसा वापसी के लिए चेक, वो भी चेक बाउंस हो गया। लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जी शुक्रिया संतोष जानकारी के।